हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर जो लोग तंबाकू वगैरह लेते हैं या फिर अल्कोहल सिगरेट पीते हैं, उनकी यह कंप्लेन रहती है कि तंबाकू की वजह से मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी का इलाज बताऊंगी कि बेसिकली आपको करना क्या है। तो अगर आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हैं, बहुत ज्यादा रेगुलर पान वगैरह या फिर मसाला वगैरह लेते रहते हैं, तंबाकू वगैरह का सेवन करते रहते हैं, तो वो उस चीज को छोड़ने के लिए मैं आपको नहीं कह रही हूं। ऑफकोर्स उस चीज को कम लेना चाहिए, कम सेवन करना चाहिए। तो जितना आप कम कर सकते हैं कम करने की कोशिश करें। इसके साथ ही आपको कुछ हैबिट्स अपनानी है, जैसे कि आपको डेंटल क्लिनिक विजिट करना है और एटलीस्ट हर 3 मंथ्स और 6 मंथ में आपको जाना है। ठीक है, बेसिकली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हर 3 या 6 मंथ में जाने की हैबिट डेंटल क्लिनिक में डाल लेंगे, तो आप जो तंबाकू खाते हैं वो आपके दांतों में स्टे नहीं करेंगे, वो आपके दांतों के बीच में फंसेंगे नहीं, जो दांतों के बीच का स्पेस होता है, तो आपको दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि जो डेंटिस्ट है वो मशीन से आपकी स्केलिंग कर देगा। स्केलिंग मीन्स आपकी दांतों की सफाई कर देगा। ठीक है, तो ये चीज अपने अंडर लाइए कि आपको ये हैबिट आए अंदर से कि आप हर 3 मंथ्स में डेंटल क्लिनिक विजिट जरूर कीजिए। इसके साथ ही आपको क्या करना है, एक माउथ वॉश यूज करना है। इसको डेली आप यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बीटाडीन करके माउथ वॉश आता है, उसका नाम है बीटाडीन। आप माउथ वॉश किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर लीजिए। इसको रेगुलर यूज करेंगे, रात में सोने से पहले इससे कुल्ला कीजिए। आप देखेंगे, आप तंबाकू वगैरह अल्कोहल लेते हैं, उसका स्टेन ज्यादा लंबे समय तक आपके दांतों में नहीं रहेगा और काफी लंबे समय तक आपके दांत जो रहेंगे वो मजबूत रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और उसको शेयर जरूर करना जिसको इस वीडियो की जरूरत है। और मोर क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।